इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच, शुरुआती ओवर्स रोहित शर्मा के धमाकेदार शॉट्स और हर शॉट पर वानखेड़े स्टेडियम का गूंज उठना, ये भारत की जीत का शुरुआती संगीत था जिसके सूत्रधार बने नन अदर देन कप्तान रोहित शर्मा। वैसे तो इस मैच के कई हीरो रहे, शमी, कोहली, श्रेयस, लेकिन रोहित शर्मा के फियरलेस अप्रोच की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। 29 गेंदों पर 47 रनों की तेज तर्रार पारी उन्होंने खेली, 4 चौकों और 4 छक्कों से सजी हुई। रोहित के इस अटैकिंग अप्रोच की तारीफ में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी कुछ बेहद दिलचस्प बातें कही हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, स्क्रीन के इधर से हम देखते हैं, उधर से आप देखते हैं, ये भी कोई बात हुई, इसीलिए हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं लल्लन टॉप अड्डा, एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज़ के साथ। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस बार अड्डा सजेगा, बिजी बहुत होंगे, पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकालिए और पहुंच जाइए। एंट्री एकदम फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सूचना समाप्त, अब वापस आते हैं नासिर हुसैन के बयान पर। नासिर हुसैन ने 15 नवंबर को स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा, कल की हेडलाइंस विराट कोहली के बारे में, श्रेयस के बारे में और मोहम्मद शमी के बारे में होंगी, लेकिन इस इंडियन साइड के असली हीरो रोहित शर्मा हैं। मुझे दिनेश कार्तिक ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में जब इंडियन टीम इंग्लैंड के सामने काफ़ी कम स्कोर पर आउट हो गई थी और इंग्लैंड ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया था, तब रोहित शर्मा ने उनसे कहा कि टीम को अपनी अप्रोच बदलनी होगी और उन्होंने टीम के पूरे कल्चर को बदल कर रख दिया है। नासिर ने आगे कहा, ग्रुप स्टेज में अटैकिंग क्रिकेट खेलना अलग बात है, लेकिन आप सेमीफाइनल में निडर क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा वहाँ गए और सभी को दिखाया वो अपने उसी अंदाज को कायम रखने वाले हैं। उन्होंने पूरे ड्रेसिंग रूम को दिखाया कि टीम इसी अप्रोच से आगे बढ़ने वाली है। रोहित शर्मा की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में अब तक उन्होंने 10 मैचों में 55 की औसत से कुल 550 रन्स बनाए हैं, जिसमें 3 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी शामिल है, लेकिन सबसे खास रहा है उनका स्ट्राइक रेट जो कि 124.15 का रहा। सेमीफाइनल मैच में क्या क्या हुआ उसे भी आपको एक बार रिविजिट करवा देते हैं। टॉस जीता इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करनी चुनी, पहली ओवर से रोहित ने बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए, पहला विकेट 71 रनों पर गिरा, रोहित उस वक्त 47 पर खेल रहे थे, टिम साउदी को अपना विकेट गवा बैठे। इसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को संभाला, विराट कोहली ने 117 रनों की बेहतरीन पारी खेली और इसी के साथ कोहली ने अपना 50वां वनडे शतक भी लगाया, सचिन तेंदुलकर की 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, शुभमन गिल 80 रनों पर रिटायर हर्ट हो गए, लेकिन उनके बाद श्रेयस अय्यर पहले कोहली फिर केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को 397 रन तक लेकर गए, अय्यर 105 रन बनाकर आउट हुए। 398 रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र दोनों ही 13-13 रन बनाकर शमी का शिकार बन गए। कप्तान केन विलियमसन ने डैरिल मिशेल के साथ मिलकर पारी को संभाला, न्यूजीलैंड को मुकाबले की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों की मजबूत पार्टनरशिप को शमी ने तोड़ा, शमी ने ही लैथम को आउट किया, फिर मिशेल और फिलिप्स के बीच पार्टनरशिप बनी, न्यूजीलैंड इस वक्त तक भी गेम में थी और फिर चला बुमराह मैजिक और उन्होंने फिलिप्स को चलता किया, इसके बाद न्यूजीलैंड लड़खड़ा गई। शमी ने इस मैच में 7 विकेट लिए और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। अब फाइनल होगा 19 नवंबर को, इंडिया का सामना साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से होगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रविराज, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स, शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, सही सही कौन सा था गेट बताना सही सही, और भाई तू ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या बताना सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, और जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए।
24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।